देखिए, ये कहा जाता है कि विक्ट्री के फादर बहुत होते हैं, और जब भी डिफीट यानी हार होती है तो वो अनाथ रहती है। तो मैं किसी और के पर ठिकरा फोड़ने की बजाय मैं अपने आप में भी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि कहीं ना कहीं कारण तो बहुत रहे, पर हम भी जो हमारी बात सच बात थी उसको लोगों तक पहुँचाने में कामयाब तो रहे, पर स्वीकार करवाने में कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान हुआ कि वो बात नहीं माने। दूसरी ओर एंटी इनकम्बेंसी के वोट का डिवीजन, आपने भी देखा होगा कि एक वीडियो जो वायरल हुआ अभी अभी, जिसमें बीजेपी के दो नेता आपस में बात करते हैं कि कांग्रेस तो अकेले पंजे पे लड़ती है, हमारे तो तीन कमल चुनाव लड़े, एक था हमारा केसरिया सैफरन कमल जो बीजेपी का निशान था, एक हमारा हरा यानी लोटस था ग्रीन कलर का जो ओबीसी के नाम पे लड़ा, और तीसरा हमारा लाल कमल था जो केजरीवाल जी के सिंबल के साथ। तो माने ये उधर वोट गए, वो भी इनडायरेक्ट हमारा फायदा हुआ। और अगर किसी ने आज वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर ने अच्छा एनालिसिस भी दिया है कि जहाँ जिन बूथों पे 2017 में कांग्रेस को वोट ज्यादा मिले थे, उन्हीं बूथों पर अमीर आदमी पार्टी ने वहीं से डेंट लगा के, उनकी सीटें तो ज्यादा नहीं आई, और बार बार जैसे कि हम दुश्मन हो, लिख के ले लो कांग्रेस की एक सीट नहीं आ रही है, एक गलत परसेप्शन, लिख के ले लो कांग्रेस की एक सीट नहीं आ रही है और मेरी 99 से प्लस जा रही है, वो बार बार कहने से जैसे कि लड़ाई में वो थे नहीं, साबित हो गया 10-11% वोट। तो ये ऐसी चीजें रही। और दूसरी ओर मसल्स, मनी, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रहा, हमारी भी कुछ कमजोरियां रही हैं। मैं नहीं मानता हूं कि हम बिल्कुल कहें कि हम सब कुछ ठीक तरीके से, संजोग होते हैं, वक्त का साथ नहीं रहा हमारे साथ, डिफीट को मैं स्वीकार करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, कितना तगड़ा बहुमत दिया है। तो गुजरात के लोगों के बहुत इश्यूज है, पेपर लीक होता है और बीजेपी के नेता का मूल निकलता है उसमें से, रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, पूरा करें उसको, हमारी शुभकामना है। सर, लेकिन ये आपकी स्ट्रेटेजी, लोकल इश्यूज को आप उठाना चाहते थे, आपने लोकल लीडरशिप पे छोड़ा, लेकिन आप इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए बिल्कुल भी। और इस तरीके का 149 का माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड था, वो भी टूट गया। 156 157 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है, वो भी तब जब आप तमाम चीजें ऐसी हैं जो आप लोग गिनाते रहे पूरे समय कि ये सरकार के खिलाफ हैं और जनता के खिलाफ हैं। देखिए, राहुल गांधी जी एक डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर है, उनको कोई जनरल कैटेगरी में आप नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि दल के हित से ऊपर देश का हित है। आज जिस तरह से जहर घोला गया है, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के बीच में अगर डिस्टेंस हो जाएगा तो देश कमजोर होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ये यात्रा कर रहा हूँ जहाँ पे जाति, भाषा, प्रांत, मजहब के नाम पे लोगों में जो अंतर हुआ है उसे कम करने की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूँ। एक राज्य में या दो राज्य में सत्ता ले लेना मेरा आखिरी गोल नहीं है, राष्ट्र के लोगों के बीच में आपसी प्यार बने, तो उनकी प्रायोरिटी वो थी और उसका हमें भी सम्मान करना चाहिए। अगर वो आते, मैं मानता हूँ 2017 में उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई थी, कुछ कमजोरियां हमारी थी, वरना सरकार 2017 में बन जाती गुजरात में। इस बार जरूर हम महसूस किया हमने कि उनसे उनके नहीं आने का भी हमें खामियाजा था, पर वो एक बड़े मकसद के लिए काम करते थे, तो हम भी खुदगर्ज बनना नहीं चाहते थे। फिर भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो आए, संकल्प पत्र बना, द्वारका आए, यात्रा शुरू करने से पहले जब महात्मा गांधी जी के आश्रम में वो दर्शन पे आए, हमने कहा कि हम भी एक बड़ी रैली करना वर्कर की चाहते हैं, तो उन्होंने वक्त दिया, वहाँ भी टाइम दिया। यात्रा के बीच से एक दिन मिला तो उसमें भी उन्होंने राजकोट और साउथ में रैली की, पर पूरा वक्त नहीं दिए। आपकी बात सही है, अगर वो होता तो फायदा हमें मिलता। आगे का रास्ता क्या सब आएंगे? देखिए, संजोग होता है। हम तो अगर बात करें तो महाभारत में पांडव
एक सीधे रास्ते पे चलते थे, पर हर चाल में उधर शकुनी और दुर्योधन थे। बार बार पांडव हारते थे, कौरव जीतते थे, एक बार नहीं सब कुछ हार चुके, आखिरी दाव लगाया वो भी हार गए थे, पर फिर भी इतिहास उस जीत का नहीं माना जाता है। हारे हुए पांडवों के नाम आज लोग अपने बच्चों के, अपने संतान का रखते हैं। माने सिर्फ जीत लेना किसी भी हथकंडों से उसका महत्व नहीं है, आप किस सिद्धांत के साथ लड़े। और आखिर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो पांडव विजयी हुए थे। हम भी लड़ाई लड़ते हैं, हम मानते हैं, हार को स्वीकार करते हैं, पर हम हमारे सिद्धांत को नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा, आपके कैमरों की आंखों के सामने आया, बीजेपी के जिस तरह से पैसे, साड़ियां, शराब की बोतलें जिस तरह से बांटी जाती थी, मिसयूज ऑफ पावर, मेरे कैंडिडेट को उठा के ले जाना, मारना, गाड़ियां तोड़ देना, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को लगाया था कांग्रेस के पीछे। पर ये इस तरह से सिर्फ जीत ही आखिरी लक्ष्य नहीं है। मैं जरूर मानता हूं कि गुजरात के लोग कांग्रेस को आशीर्वाद देंगे, कांग्रेस की सरकार आने वाले दिनों में बनेगी। सर, दिल्ली को प्रदर्शन रहा बिल्कुल जो है खराब प्रदर्शन रहा, दहाई का जो है आंकड़ा भी कांग्रेस पार नहीं कर पाई, और अब तो जो एक मौजूदा उपाध्यक्ष जो है वो उसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, दो पार्षद आपके नौ में से दोनों जो एक ऐसे एरिया से आते हैं जहां पर कांग्रेस कह रही थी कि एक जवाब दिया है जनता ने, वहां की आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को दिया है, आम आदमी पार्टी को भी दिया है, और वहां से उन्होंने ही आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए दो बातें हैं, एक तो हमारे यहाँ दिल्ली में शीला दीक्षित जी के काम को कांग्रेस की सरकार ने 15 साल तक एक पॉजिटिव बजट वाला स्टेट बना दिया था। माने कि आपके पास बैलेंस पैसे बचते थे हर साल, किसी राज्य के पास नहीं, कितना भी काम करो फिर भी बैलेंस बचे, वो शीला दीक्षित की देन थी। वही राज्य केजरीवाल जी के हाथ में लगा, एक भी नया ब्रिज नहीं बना, नहीं, पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें करके लोगों को लिया, वो कांग्रेस की वोट बैंक चलेगी। मैं मानता हूँ कांग्रेस की वोट बैंक चलेगी, और हमारा वोट प्रतिशत आपने देखा होगा एकदम विधानसभा में गिर के, हमारा एक भी विधायक नहीं जीता। उस वोट प्रतिशत में मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं कि प्रतिशत काफी बड़ा, सीटों के मामले में 9 सीट्स आई। अब ये केजरीवाल जी जो बीजेपी को गाली देते हैं कि आप स्वच्छ राजनीति नहीं करते हो, गुजरात में जब उनके एक पहले कैंडिडेट विड्रॉ कर गए, दूसरे कैंडिडेट ने बीजेपी को समर्थन दे दिया, उस वक्त की केजरीवाल जी की भाषा आप सुनिएगा, उन्होंने कहा कि ये राजनीति स्वच्छ नहीं है, आप तोड़ के दूसरे के ले जाते हो। आज हमारे लोगों को तोड़ के वही राजनीति करते हैं, माने शतरंज के सेम चट्टे बट्टे बीजेपी और ये अमीर आदमी पार्टी है, ये दिखता है। आम आदमी पार्टी बड़ा चैलेंज बन गई है कांग्रेस के लिए, गुजरात में आप लोगों का वोट शेयर उन्होंने ले लिया, दिल्ली में आप लोगों को वोट शेयर पीछे करके आज खुद फ्रंट सीट पे। देखिए हमारे लिए इतना चैलेंज लोगों के लिए जरूर बने हैं कि वो बीजेपी को फायदा दिलवाते हैं। गोवा में हमारी सरकार बनते कोई नहीं रोक सकता था, इन्होंने नुकसान किया। उत्तराखंड में हमारे बहुत अच्छी खासी से तगड़ी तरह से चल रहा था, वहां पे उनका जीरो, एक भी नहीं चुनाव जीता, पर बीजेपी को फायदा करवा दिया। गुजरात में भी वही किया, दिल्ली में हमारी वोट बैंक तोड़ के बैठे जरूर है, मैं स्वीकार करता हूँ। पंजाब में उनकी सरकार बनी है, मैं स्वीकार करता हूँ, पर और जगह जहां गए हैं वहां वो सिर्फ बीजेपी के फायदे के लिए गए हैं, हमारी चैलेंज बनने के लिए नहीं गए हैं। और वो शायद बिहाइंड द कर्टन क्या है वो तो इतिहास में लिखा जाएगा और आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि कौन सी मिलीभगत है। दिल्ली में जवाबदेही तय होगी, दिल्ली में देखेंगे, सबकी जिम्मेवारी तो है ही, और सभी से बात करेंगे और आगे जो भी रास्ता निकलेगा वो करेंगे, सब मिलके लड़ेंगे। दिल्ली, मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ जिस तरह से हमारी वोट बैंक की वापसी हुई है, और इसी से घबरा कर आम मुसलमानों का वोट नहीं ले सकते हो तो कांग्रेस के साथ चुने हुए का उठा के ले जाओ, नेता को तोड़ के ले जाओ, लालच दो,
वो जो कोशिश हो रही है वो एक फ्रस्ट्रेशन है और उसी के जरिए सब कुछ हो रहा है। आखिरी सवाल सर, आपसे आज इंट्रोड्यूस किया गया और उसको डिवीजन मांगा अपोजिशन में, क्रीड़ा मीना जो है राज्यसभा सांसद उन्होंने पेश किया, और उसके बाद में जब डिवीजन हुआ तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। कैसे देखिए, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, सेंट्रल सब्जेक्ट है। ये पोलराइजेशन करवाने के लिए गुजरात के चुनाव के वक्त वो स्टेट सब्जेक्ट वो इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया। यही बीजेपी की सरकार है और 2018 में यही प्रधानमंत्री, यही भाजपा की सरकार के लॉ कमीशन ने खारिज कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू हो सकता है। अभी एक परसेप्शन गलत कर रहे हैं, ये मुसलमान को नहीं, सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज को नुकसान देगा। आज मेरे आदिवासी भाइयों के लिए कुछ अलग प्रावधान है, आप नहीं कर सकते हो दूसरी शादी, पर आदिवासी समाज के रिवाज को देखते हुए उनके लिए स्पेशल प्रावधान है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके उन आदिवासी समाज के ऊपर ये पहला प्रहार होगा। और लोग हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल, हमारे संविधान बनाने वालों ने उस वक्त पे बहुत सोच समझ के कुछ प्रावधान किए हैं, कुछ रिवाज है, कुछ मजहबी बात है, आप ये कैसे कर पाओगे इस देश के अंदर जिनके रीति रिवाज है उनको खत्म करना। ये गलत परसेप्शन गलत कर रहे कि तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके हम मुसलमानों का स्पेशल, नो, मुसलमान से ज्यादा अफेक्ट होगा वो आदिवासी समाज और दूसरे लोगों को होगा। और अगर ये करना भी था तो सरकार आपकी थी, आपका ये लॉ कमीशन जब खारिज कर देता है फिर इसके ऊपर बहस का कहां मुद्दा बचता है।